शनि देव हो चुके हैं महापापी सिंह राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनि देव सिंह राशि के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यहां पर इनको दिशा बल मिल जाता है और ऊपर से ये वक्री हो चुके हैं और 15 नवंबर तक ये सतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु आठवें भाव में बैठा है और राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का मालिक गुरु है और गुरुदेव का केंद्र में यानी कि दशम भाव में गोचर वर्तमान में चल रहा है। शनि देव का वक्री होना, मैं शुरुआत में ही बता दूं, आपके लिए कोई विशेष शुभ फलदायक नहीं है। इस चीज का ध्यान रख करके ही आप वीडियो देखें। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह सिंह वालों का जो राशिफल है ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देख सकते हो। अगर लग्न कुंडली है तो लग्न पर ही ये गोचर लगा करके देखें, लग्न कुंडली ना हो तो सेकंड ऑप्शन है, आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझें। लग्न कुंडली चंद्र राशि कुछ भी जानकारी नहीं है तो अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए। हालांकि शनि के गोचर का बहुत बड़ा बुरा प्रभाव आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी कुंडली में दो तीन भाव बहुत मजबूत हैं। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानते हैं वक्री शनि का क्या प्रभाव सिंह वालों पे पड़ेगा। थोड़ा उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी तो नहीं लगेगी लेकिन यदि आप हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख दीजिएगा। शनि आपके सातवें भाव में बैठे हैं और ये वर्तमान में 25 डिग्री के हैं और 18 डिग्री तक लगभग जाएंगे, यानी कि पूर्णतः बलि अवस्था में रहेंगे, युवा अवस्था तक का जाएंगे। ऐसे में वैवाहिक जीवन के लिए तो ठीक ठाक रहेगा, कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन शनि की जो दृष्टियां हैं वो थोड़ा गड़बड़ कर रही हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य को कमजोर करने का ये प्रयास करेंगे लेकिन ये भाग्य इसलिए नहीं कमजोर कर पाएंगे क्योंकि भाग्येश मंगल शुरुआत में शनि की तरह ही दिशा बल लेकर के दशम भाव में बैठा हुआ है तो मंगल के प्रभाव से भाग्य आपका चलता रहेगा। अगर शनि की दशा चल रही है तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण एक बार जरूर पाठ करिएगा, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, शनि का वक्रतम प्रभाव आपके लग्न पे रहेगा तो सभी सिंह वाले इस समय काम बनने के बावजूद भी हो सकता है थोड़ा मानसिक अशांति अधिक महसूस करें। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो इसके लिए लगातार आपको सूर्यदेव को अर्घ देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इसके अलावा शनि का एक प्रभाव पड़ेगा चौथे भाव पे, एक तरफ शनि की दशम दृष्टि चौथे भाव पे रहेगी तो दूसरी तरफ गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी, तो इस अवधि में कोशिश करिएगा कहीं पर निवेश करना है प्रॉपर्टी वगैरह में तो उसको अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर बहुत जरूरी हो निवेश करना तो परिवार वालों की राय लेकर के निवेश करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज, माता श्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस समय शनि का वक्री होना आपके लिए सुफलदायी नहीं है, हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का एक बार पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अगर ये उपाय करते हो और साथ में सूर्य को जल देते हो तो आपको फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं, नमस्कार।